वेरी गुड यार, सैल्यूट है आपको। हेलमेट ऐसे लगा के चलो आप लोग। हेलमेट आप लगाइए, क्यों नहीं लगाया वहाँ? अरे वाह गजब, खतरनाक गाड़ी है दोस्त। जी सर। ऐसे आइए थोड़ा। अरे वाह यार, सुपर गाड़ी है ये। कौन सी गाड़ी है यार, कौन सी कंपनी है ये? कावासाकी की निंजा है सर। निंजा? यस सर। काफी महंगी गाड़ी होगी, कितने की है यार? सर ये लगभग 19 लाख रुपए के आसपास जाती है। डिपेंड अपॉन की कहाँ का आरटीओ है। अपने एमपी में करीब 1950 जाती है। तो ये बताओ, आप हकीकत बताना, ये आपकी कमाई की है कि पिताजी की कमाई की है? सर पापा तो हमको 2013 में एक मोटरसाइकिल दिलाए थे, उसके बाद बोल दिए तुम्हारी आखिरी गाड़ी है। तो आप अपनी कमाई से खरीदे हो? बिल्कुल सर। गुड यार, गुड गुड। शौक जो है ना वो अपने से ही पालना चाहिए, अपनी अपनी जो है कमाई का ही पालना चाहिए। सर 2009 से सपना था, इस साल लिया हूँ मैं, मतलब मेरे को 19-20 लाख की आप गाड़ी लिए, बहुत बढ़िया। एक मिनट थोड़ा आइए, नीचे उतरिएगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? सर मेरा नाम प्रतीक बहादुर। प्रतीक बहादुर जी, तो इसकी यार मेरे को ये बताओ, आपकी आजकल रेसिंग की इतनी गाड़ियां निकल गई हैं पूरे मार्केट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितना तेज से आपको भागना हो आप एरोप्लेन बन जाओ आप, बाइक तो ऐसी आने लगी। एग्जैक्टली। इसका सेफ्टी फीचर क्या है कि आप अगर ओवर स्पीड पे हो, स्पीड ज्यादा है, पहली बार की सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार हर गाड़ी में क्या होती है कि स्पीड लिमिट होती है। हाँ। लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया। अच्छा, तो मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल जनरली सुपर कार में रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। भी है। अगर आप उससे रेन में क्या, चल रहे उससे क्या होता है, अगर आप रेन में चल रहे हैं तो आप रेन मोड में सेट कर दिए गाड़ी को। हाँ। तो गाड़ी की स्पीड और कंट्रोलिंग, ट्रैक्शन हाँ। कंट्रोल मतलब उसका एबीएस वैसे वर्क करेंगे। हाँ। अगर पानी गिर भी रहा है तो भी गाड़ी उतनी पावर जनरेट नहीं करेगी और वैसे स्किट नहीं करेगी। गुड, वेरी गुड। एबीएस तो एक ना, हर गाड़ी में समय एबीएस दिख रहा है, एबीएस से ज्यादा एडवांस वर्जन है ट्रैक्शन कंट्रोल, उस हिसाब से पावर भी जनरेट करेगा और उस हिसाब से ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी रहेगी। अच्छा, ये एक बेस्ट फीचर है, बहुत बढ़िया आपको चाहिए। अगर इसको आपको ट्रैक में चलाना है तब आपको ट्रैक के लिए, ये देखिए कितने लोग इकट्ठा हो गए इसको देखने के लिए। तो खैर दे, हाँ ऐसी गाड़ी नहीं आई, क्यों अभी तो ये सही बात भी है। हाँ ये गाड़ी जो है बता रहे 18-19 लाख की पड़ती है। तो मोटरसाइकिल आदमी इससे तो सोचता है फोर व्हीलर ले ले, तो ये शौक के लिए ही ले सकता है। और किसी ने सही सच ही कहा है कि जिसकी जिंदगी में शौक ही नहीं है उसकी जिंदगी सपना बड़ा होना चाहिए सर। अरे बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया, लेकिन अपन को कंट्रोल करना है, अपना भी ख्याल रखना है दोस्त, और अपन को दूसरे का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप अच्छे से करो, एंजॉय करो। हाँ कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो, अब चूंकि इसको 20 की स्पीड से चलाने के लिए तो आपने ये गाड़ी ली नहीं है, मेरे को पता है। जी सर। तो आप एक्सप्रेस वे वगैरह में जाइए, दिल खोल के चलाइए। ठीक है, हाईवेज एक्सप्रेस वे में जहाँ पर गति सीमा पर हमेशा ये देखिए कि 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आपकी रफ्तार नॉर्मल हाईवेज, स्टेट हाईवेज वगैरह में नहीं होना चाहिए। इसको अपन बेसिकली ट्रैक में यूज करते हैं, मैंने ट्रैक का भी रजिस्ट्रेशन किया है, मेरे को ऑलमोस्ट कुछ दिन में ट्रैक का लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा है। हाँ। उसके लिए कोर्सेज है, उसके 4 लेवल आपको कवर अप करना पड़ता है। अच्छा, चारों लेवल कवर अप किया है, मैं एमपी और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। गुड यार, स्पोर्ट्स, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बहादुर जी, कौन से बहादुर जी हैं? प्रतीक बहादुर। प्रतीक बहादुर जी, प्रतीक तो आप तो ये प्रतीक चिन्ह छोड़ दिए यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत अच्छा लगा, आपकी गाड़ी देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा, और आपसे बातें करके तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।